हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप एडोबी फोटोशॉप के अंदर अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को कैसे रिस्टोर करेंगे। देख सकते हैं ये इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं येलो टाइप का हो गया है। हम इसको नए टाइप से रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर कैसे करना है, आपको इसको सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेना है और इसकी एक डुप्लीकेट लेयर को क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर हम ओके करते हैं। अब आपको फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे इमेज के ऑप्शन में जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स में जाना है और इसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लेबल्स, इसका शॉर्टकट है Ctrl+L। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने जो है लेबल्स का विंडो जो है ओपन हो जाएगा। अब आपको सारे एडजस्टमेंट्स जो है यहीं से करने हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रीसेट तो आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है और चैनल्स आपको RGB पे छोड़ देना है। अब यहाँ से आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, ब्लैक, ग्रे एंड वाइट। तो हम वाइट पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आपको इसे जो है अपनी इमेज पे सेट करना है। तो आप वो एरिया देखिए जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जो है वाइट कलर को फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ से देखिए डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा हुआ है वो अच्छे से विजिबल हो रहा है और जहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है थोड़ा डल, यहाँ पर आप एक दो बार और क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो है ऑटोमेटिक उस हिसाब से जो है एडजस्ट हो गई है। अब आपको ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करनी है, सिंपली ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टैम्प आ रहा था फ्रेंड्स, वो स्टैम्प जो है यहाँ से विजिबल नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, जो स्टैम्प है इसको विजिबल करते हैं। देखिए पुरानी वाली इमेज में ये विजिबल है, तो इसकी एक डुप्लीकेट लेयर दोबारा से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम ओके करते हैं। अब आपको क्या करना है, इमेज को करना है जूम। जैसे आप इमेज को जूम करेंगे, अब आपको उस पॉइंट को फोकस करना है जहाँ से आप स्टैम्प को अच्छे से निखारना चाहते हैं कि आपकी इमेज पे अच्छे से विजिबल हो। तो ये एरिया स्टैम्प एरिया, अब यहाँ से जो है आपको एरिया को सिलेक्ट करना है उस इमेज को सिलेक्ट करते हुए, तो उतने एरिया को आप सिलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, एरिया को ज़्यादा सिलेक्ट मत कीजिएगा, थोड़े से एरिया को सिलेक्ट कीजिएगा ठीक। और थोड़ा सा आप बाहर भी देखिए पोर्शन को आप सिलेक्ट कीजिएगा। अब आपको कीबोर्ड से Ctrl+J कर देना है। तो देखिए एक नई लेयर आ गई है हमारे पास। अब मैं आपको इस वाली लेयर को हाइड करके दिखाता हूँ। तो देखिए इमेज जो है यहाँ पे आ गई है। अब आपको इसको इस इमेज के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं देनी है ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको वापस से विजिबल कर देता हूँ। तो पुरानी वाली लेयर ये रही और इसको भी चलो विजिबल कर देते हैं। अब इसको आपको टॉप पे ले जाना है। जैसे आप टॉप पे ले जाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। अब आपको जूम करना है, जूम करना है। अब आपको यहाँ पर थोड़े से कलर में चेंजेस करने हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये ब्लू है, रेड है ठीक है। आपको इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है और आपको यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन पे क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+U। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने विंडो आ जाएगी। अब यहाँ से आपके सामने अगर कोई कलर है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ब्लू है तो ब्लू कर लीजिए, रेड है तो रेड कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ से सीधा यहाँ पर आप इसको क्लिक कीजिए पिकर को और उस कलर को सिलेक्ट करते हुए हल्का सा मूवमेंट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक कलर भी सिलेक्ट कर लिया है रेड। तो हल्का सा आप अपने हिसाब से उसको सैचुरेट कर लीजिए कहाँ तक आपको विजिबल करना है और लाइटनेस को थोड़ा सा आपको कम करना है ताकि ये थोड़ा सा डार्कन हो जाए और आपको इमेज पे अच्छे से विजिबल हो जाए। सिंपली ओके कर दीजिए ठीक है। अब आपको इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट्स में जाना है और आपको लेवल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से दोबारा इसका वाइट पॉइंट जो है सेट करना है। अब यहाँ पे आइए, वाइट पॉइंट को सेट कीजिए। हम यहाँ पर इसको फिल कराना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब स्टैम्प जो है अच्छे से विजिबल हो गया है। अब यहाँ से आप हल्का सा इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्कन कर दीजिए यहाँ से और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ से लगभग रेडी है। लेकिन अभी भी इसके आप इधर पोर्शन में देखिएगा जहाँ पे ज़्यादा डेटा नहीं है वहाँ पे जो है थोड़ा सा डार्कन एरिया है। तो यहाँ पर हम एक नई लेयर को क्रिएट करते हैं और इसके अंदर जो है हम वाइट कलर को फिल करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं कलर प्लेट में और यहाँ से हम वाइट कलर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। अब ऑल्ट के साथ हम यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें कलर फिल हो जाएगा इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कलर फिल हो गया है। इसको भी ऑफ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब मैंने वाइट कलर इसलिए लिया है ताकि जब मैं इस वाली इमेज से वाइट कलर को रिमूव करूँ तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। तो चलिए अभी रेजर को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से आपको काफ़ी बारीकी से जो है इसको रिमूव करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे अच्छे से रिमूव करने में उतनी अच्छी इमेज जो है आपकी अच्छे तरीके से रिस्टोर होगी। तो देखिए यहाँ पे भी है काफ़ी डार्क डार्क एरिया,
इसको भी आपको रिस्टोर कर देना है, यहाँ से भी कर दीजिए। वो आप अपने हिसाब से देखिए कि डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ ज़रूरत है, उस हिसाब से जो है आप इसको रिस्टोर कीजिए। तो आप जो है थोड़ा सा वर्क इस पर जो है ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इमेज जो है उतनी ही अच्छी जो है आपके सामने आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है लगभग यहाँ पे सारा काम कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जो भी लेयर्स पे आपने वर्क किया है इसको आपको ग्रुप कर देना है, और उसके बाद चाहे तो आप इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बिफ़ोर आफ्टर करके दिखा देता हूँ। ये इमेज पहले ऐसी थी और हमने जब इसको रिस्टोर किया तो अब ये इमेज जो है इस तरीके की हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है पुरानी इमेज और नई इमेज में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है आप सभी पुराने डॉक्यूमेंट्स को रिस्टोर कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।